एडा वड्डा जुलम जिनसर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर सेसर काती मुनियन गल विच आवे तूर। सो ओ उस वेले सुहागणा नूं जिस तरह कतल किया गया सी, जिस तरह सुहाग उन्हां दे लुट्टे गए सी, उस वेले दा इतिहास गुरु नानक साहब दा याद करिए। अगे चलदिया बड़ा वड्डा इतिहास है, कदी इत्थे अहमद शाह अब्दाली मीर मन्नू वर्गे आए, कदी इत्थे बहुत वड्डे जिहड़े जुलम कल्लूकारा होया, वड्डा कल्लूकारा छोटा कल्लूकारा सिखां नूं उदों भी बहुत वड्डे कतल किए गए। वह कल्लूकारे याद करिए कि 35,000 के कतल, कि 18,000 के कतल, इस सिखां दी दर्द भरी कहानी शुरू तो चलती आ रही है। सतसंग जी नादर शाह वर्गिया ने जुलम की घट नहीं की, गुरु साहबाना का इतिहास वेख लो, जे कि जहांगीर आया धन गुरु अर्जन देव जी तत्तियां तवीए ते बिठा के शहीद कर दिता, उस तो अगे जुलम गड्डा की हो सकता है। औरंगजेब का समा आ गया, धन गुरु गोबिंद सिंह का सारा परिवार सारा सरबंश जिहड़ा सी उह कुरबान हो गया। तुहाडा इतिहास ही जुलमां दे नाल हमेशा जूझदा रहा, तुसी अज ये अखां दे सामने जो दर्दनाक साका देखिया उस नूं विख्यान कर रहे हो। लेकिन कितने याद करो जदों 60 साल लगातार सिखां ने जंगलां च गुजारे, घोड़िया दी काठियां ते बैठ के सौंदे सन ते छोले खा के गुजारा करदे सी, उह वी सिखां दा इतिहास है। सतसंगत जी उस वेले भी जदों जेलां दे विच अहमद शाह अब्दाली डके ते रात दे समय रहरास हो रही है, अहमद शाह अब्दाली ने अपने पहरेदारां नूं कहा, चौकीदारां नूं कहा कि जाके देख के आओ, अज दिने बड़ा कुटापा चाड़िया, बड़ा तशद्दुद कीता, सिख ते रोंदे होणगे, सिख रलाउंदे होणगे, चीकां मारदे होणगे, जाओ शाम दे समय देख के आओ उहनां दा हाल की है। उस वेले सिख बैठे रह रास्ता पाठ कर रहे हैं, रह रास्ता पाठ करके अरदास कीती है, अरदास विच भी कहा सच्चे पातशाह चार पैर दिन सुख दे बतीत होए, चार पैर रहण आई है सुखा दी बतीत करनी, कुटापा चढ़ रहे हैं, तशद्दुद हो रही है, डांगा भर रही है, लत्तां पाड़ियां जा रही हैं, लेकिन सिख कह रहे हैं सच्चे पातशाह चार पैर दिन सुख का बतीत होया ते चार पैर रहण आई सुखा दी बतीत करनी, यह है तुहाडा इतिहास। मीर मन्नू नूं जदों जाके दस्या कि वह तो इदां कह रहे हैं, कहिंदे है इह सिख इन्ना जुलम सह के भी कहिंदा चार पैर दिन सुख का बतीत होया, चार पैर रहण आई सुखा दी बतीत करनी, यह ऐसे कैसी मिट्टी दे बने हैं। गुरु प्यारिओ तुहाडा इतिहास बड़ा गौरवमय इतिहास है, एक काले इतिहास बड़ी बड़ी तुहाडे उत्ते आए है, बड़े जुलम तुसीं सहे है, पर सिख कदी डोलिया नहीं, सिख कदी घबराया नहीं। 84 का कतलेआम केवल ये शुरू नहीं है, समा करो याद जब देश की आजादी 70% कुर्बानियां कीतियां होण, देश की आजादी तो बाद इस कांग्रेस सरकार की जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो इस पार्टी की, उन्होंने जल्दी नाल तुहानूं जराइम पेशा कह के ऐलान कर दिता सीगा, इन्हां सिखां नूं जिन्हां नूं जिन्हां ने बहादुरी की, जिन्हां जुलम सहिआ, जिन्हां ने फांसी दे रस्से चुम्मे, जराइम पेशे का नाँ दिता सी, वह भी तुसीं सहारिआ। फिर उस तों अगे देख लो कि जदों इन्हां ने आवाज दित्ती सी, उस वेले फैसला किया सी कि बोल पंजाबी बोलदे जां भाषा बोलदे इलाके जिहड़े है वह वंडे जाणगे, स्टेट बनाए जाणगे, वह भी तुहाडा धोखा होया सी। कांग्रेस ने किया सी कि जदों तुहाडे पंजाबी सूबा बणिआ कित्थे तक तुहाडी हद जांदी सी, लेकिन तुहानूं लंगड़ा पंजाबी सूबा दे दिता, फिर भी तुसीं जरिआ। सतसंगत जी 7 साल बाद जदों 1947 देश आजाद होया, तो 1954 सब तो पहला हमला जिहड़ा सी हरिमंदर साहब ते होया, 1954 पहला हमला होया जदों के दरबार साहब दे विच परिक्रमा च पुलिस वाड़ी फौजां वाड़ियां, उस वेले भी हमला होया जदों दीवान हाल दे विच बहुत वड्डा तशद्दुद कीता, लंगर हाल च तशद्दुद कीता, वह तुसीं भुल गए हो। 84 का कतलेआम दिल्ली च होया, उस तो पहला हरिमंदर साहब च गोलियां चलियां, श्री अकाल तख्त साहिब ढह ढेरी होया, बंब चले, टैंक चले, गुरु अर्जन देव जी शहीदी दा साका मना रही संगत शहीद हो गई, किन्ने हजार लोग शहीद होए, 2500 सरूप उस वेले अगन भेट होए। सात संगत जी गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबियां जब शुरू हुई तो उस समय तो शुरू हुई,
गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी जे उदो ना शुरू होंगी शायद अज घर घर पिंड पिंड गुरु ग्रंथ साहब का अपमान ना होंदा। मैं बेनती करा कि तुसी बड़ा दर्दनाक कहानी सुन रहे सी बीबा को, मैं उहदे विच वादा करा कि एक मैनू करनल दे परिवार का पता लगा कि जदों उहनू मारिया जाना सी, जदों उहनू सारिया जाना सी टायर नाल, उस तो पहला उहदियां अखां दे सामने 2 महीने का बच्चा स्टोव के उत्ते गैस के उत्ते साड़ के उस खत्म किया गया, पुनिया गया। तो उस वेले मैं याद की आया बाबा बंदा साहिब बहादुर का इतिहास, बाबा बंदा साहिब बहादुर का इतिहास याद करो। जो उस शहीद करना सी सब तो पहला उसके 4 साल का पुत्र अजय सिंह का कलेजा कट के बाबा बंदा साहिब बहादुर के मूँह च पाया सी। बाबा बंदा साहिब बहादुर डोलिया नहीं सी। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को याद करो, उस शहीद करने तो पहला भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी और अखा सामने शहीद किए थे, पर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने एको गल कही सी कि मेरी अखा के सामने मैं मौत देख रहा, मैंने अपने सिंगा से माण है। तो उन्होंने कहा सी बस एको साड़ी मंग है, उन्होंने कहा मंग की है तुहाडी, कहिंदा साडा मूँह गुरु वाल होना चाहिए, तो जब तक असं जपजी साहब का पाठ खत्म नहीं कर लेंगे उतो साड़ी शहीदी नहीं होनी चाहिए। गुरु प्यारे यह है तुहाडा इतिहास, यह है तुहाडा गौरवमय इतिहास। अपने इतिहास तो सिखा ने हमेशा सेध ली है और सिख जे जीवंदी है, जे शक्तिमान है, जे तकड़ी है, वह केवल अपने इतिहास करके शक्तिमान है। बीबा चिंता ना करो, इस काले इतिहास ने बहुत बड़ा लोगों जगाया है। एक काले इतिहास ने इस नसल कुशी जे इन्होंने सिखा की करनी शुरू की। अच देख लो उस परिवार का कोई ना लैन तैयार नहीं, इस परमात्मा ने अपने आप ही पापी को दंड दियो रे। साड़ी अरदास होनी चाहिए है कि जयकार की हो धर्मियों का, पापी को दंड दियो रे। लंबा समा ना लंबा, क्योंकि बाल साहब बैठे है, मैंने पता है इन्हों का समा बड़ा कीमती है, मैंने एहसास इस गल का। लंबा घंटिया बंदी बोली जाइए ना 84 का दरबार साहब का हमले की गल मुक सकती है, तो ना ही 84 उस दिल्ली के वो परिवार की मुक सकती है। बाल साहब बाकी गल्ला करेंगे, मैं बहुता समा ना लवा। सतसंग जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब ने जिदा हुक्म लाया सी, उस तरह मानयोग सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने जो भी कितने गल की है, जो भी कितने आवाज दी है, जो भी कितने टैलीफोन किया, एको गल कही है कोई जोधपुर शहीद हो गया हो, कोई इस 84 के कतलेआम शहीद हो गया हो, उसका कोई परिवार तुहाडे कोल आउंदा ते कदी जवाब नहीं देना। हमेशा एको गल हुंदी है 84 के कातलां ने जे साडा जुल्म किया, अपने बच्चे दुखी ना होण उहदा ध्यान रखना। मैं अज तुहाडे वास्ते, क्योंकि मैं नहीं कह सकदी करोड़ रुपए दे सकदी है तुहाडी संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैं प्रधान साहब नूं बेनती करांगी, इह सिख पंथ की महान जथेबंदी है, तुहाडी पंथ की बहुत बड़ी वो एक अस्थान, वो बड़ी जथेबंदी जिहड़ी खून तुहाडे खून नाल बणी है बजुर्गों दे नाल। जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ननकाणा साहब का इतिहास में जे केर सिंह का नाम आता है, जरग पिंड का रहने वाला केर सिंह ननकाणा साहब ने जिंदा साड़िया सी, शायद तुहानूं भी इस गल का इतिहास होगा कि जरग दे विच रहने वाला वो केर सिंह जिसका 8 साल का सी, ते जदों ननकाणा साहब पहुंचे तो बापू नूं कहिंदा बापू तू शहीद हो गया, मैं भी तेरे नाल इसे लिए आया सी, मैं शहीद होना है। तो उन्हें चुक के उस वे गुंडिया ने वह जिंदा उन्होंने चिखा में साड़ दिता गया। यह है इतिहास तुहाडे सिख कौम का। वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिसनों तुसी अपने खून पसीना तैयार की है, उस श्रोमणी कमेटी का इतिहास दुनिया के सारे धर्मों के इतिहास नालों वखरा है। मैं बेनती करा कि आओ सारे तगड़े होकर अपन संस्थावां बचाओ, श्री अकाल तख्त साहब अपना मर्यादा बचाओ, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तुहाडी संस्था है। एक कहने बनाई सिंह सभावां ने, श्रोमणी अकाली दल के योधिया ने बहुत जूझे, बहुत जूझे, तो फिर कित जाके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होनी चाहिए। सो मैं वो वालों जिते गुरु के लंगर का इन्होंने हुक्म किया, गुरु के लंगर लगवाए उत्थे 2.5 लाख रुपया। बाल साहब मेरी बेनती है, ये सारी पंथ की जमात है, ये पंथ की जथेबंदी तुम आप कृपा करो, तो नाल होकर तुम सारे जने चलो। मैं क्या क्यों सारे सांझी है ना जी संस्था के, कोई मेरी कली दी नहीं हैगी। सो ये 2.5 लाख रुपया अच इन्हों समागम मना हर साल जिते अं दें
ढाई लाख रुपया मैं देवगी। मेरी भैन गुरदीप कौर सुरजीत सिंह ये प्रवान कर तुष जी भेटा ही होंगी है, क्योंकि असी जिथे अगे भी बड़े केस लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के 15-15 लाख रुपया एक वकील की पेशी का दे रहे हैं। जिथे तुम जानते हो दविंदर सिंह भुल्लर प्रोफेसर उसकी पेशी का हरवारा जी राजवाणा साहब हर पेशी का वकील की फीस सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है। बहुत सारे केस इस तरह लड़ते हैं। सो मेरी बेनती है कोई तकलीफ हो असी तुहाड़े वास्ते हाजिर हैं, और जदों भी बादल साहब जां तुसी सारे पंथ के नुमाइंदे हुक्म करोगे हर गल वास्ते तुहाड़े लई तत्पर होवांगे। पुल्ला चौका जी माफी दिओ जी, आओ अरदास करिए सच्चे पातशाह उन्हां परिवारां नूं शक्ति दई ताकत दई अपने इतिहास से चल के हमेशा तकड़े होकर जीवन। आप रोना नहीं, क्यों? क्योंकि गुरु साहब ने सानूं चरना सिखाया, पाणा मनना सिखाया। गुरु गोबिंद साहब नूं याद करो, गुरु तेग बहादुर साहब नूं याद करो, अपने उस महान गुरु हरगोबिंद साहब नूं याद करो, मीरी पीर दे मालक ने जिन्हें तुहानूं संत सिपाही बनाया। बहुत धन्यवाद जी, भुल्ला चुका जी माफी दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।